भाजपा वरिष्ठ नेता शिवनाथ कपूर अक्षत कलश का शहर में होगा भव्य स्वागत, घर घर पहुंच रहा आमंत्रण। इस मौके पर भाजपा नेता सतनाम आहूजा, राजकुमार धवन, मास्टर चमेल सिंह, बलबीर मराठा, सुभाष बीरपाल, पवन आदि बीजेपी नेताओं ने निमंत्रण दिया। होने वाला इसके लिए मैं समस्त नगर वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को अपनी ओर से और समस्त साथियों की ओर से शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ देना चाहूँगा। हर व्यक्ति के जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, इसी कामना और भावना के साथ शुभकामनाएं देता हुआ कल का जो कार्यक्रम है नीलोखेड़ी में एक विशेष रूप से होने जा रहा है। यह कार्यक्रम इस संदर्भ में है जिसकी जानकारी देना चाहूँगा कि 22 जनवरी को हमारे भगवान आराध्य श्री राम, जिनका अयोध्या में श्री राम मंदिर में जिनकी स्थापना की जानी है, उस संदर्भ में पूरे देश में जो अक्षत अयोध्या से चलकर आ रहे हैं वो नीलोखेड़ी में कल 11 बजे पहुंचेंगे। जिस कलश यात्रा के साथ वो आ रहे हैं उसकी शोभा यात्रा पूरे नगर में निकाली जाएगी और भव्य स्तर पर इसमें पूरी संस्थाओं का सहयोग अपेक्षित है, हर जनमानस का, किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन भगवान राम सबके हैं। इसलिए सबसे निवेदन है कल 11 बजे हमारे नीलोखेड़ी से ये शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, पूरे नगर का भ्रमण करते हुए श्री सनातन धर्म मंदिर नीलनगर में इस अक्षत कलश का जो है स्थापना की जाएगी, उसमें तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। इसी के साथ साथ 22 जनवरी को जब अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना होने जा रही है और ये गौरवमय दिन हम सब के लिए तो है ही, क्योंकि 500 वर्षों के इसके संघर्ष के उपरांत, अनेक कुर्बानियों के उपरांत संतों ने, आम जनों ने जो राम के भक्त थे उन्होंने इस मंदिर के निर्माण के लिए ना मालूम कितनी कुर्बानियां दी, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने इस प्रकार का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है कि जब भगवान राम 500 वर्षों के उपरांत मंदिर में स्थापित होंगे, तो इस कार्यक्रम में हम सब शामिल हों, सनातन धर्म के सभी सनातन धर्मी लोग हों, किसी धर्म से मानने वाले हों, ये सनातन धर्म का ही नहीं, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी एक व्यक्ति या किसी एक धर्म का नहीं, ये समस्त मानवता के लिए भगवान राम का जो मंदिर है, विश्व में कहीं भी हिंदू जो रहता है विशेषकर, उसके लिए इससे बड़ा गौरव का दिन कोई हो नहीं सकता, ये मेरा मानना है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा पुनः कि इस शोभा यात्रा में जो कल अक्षत कलश यात्रा नीलोखेड़ी में पहुँच रही है, आप सब पूरे नगर के लोग, समस्त संस्थाओं के लोग इसमें शामिल हों और ये गौरवपूर्ण क्षण जो हम सबको प्राप्त हुआ है उसका हम सब लाभ ले सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः तमाम साथियों का भी जो एक बैठक करके हम आए हैं कि इस कार्यक्रम को कैसे भव्य बनाना है, उसके लिए पूरी जानकारी और देंगे हमारे साथी। मैं चाहूँगा बलबीर जी मराठा हैं, सतनाम जी हो जाएं, ये भी इस तंत्र में कुछ कहेंगे। आप इसका रूट और समय भी निर्धारित कर दो, भी क्या रहेगा? ठीक 11 बजे नीलोखेड़ी पुलिस चौकी के पास ये अक्षत यात्रा पहुँचेगी, उसके उपरांत वाल्मीकि मंदिर से पोल्टेरिया से होते हुए, गोल मार्केट से होते हुए, रेलवे रोड से होते हुए, किसान बस्ती भी हो सकता है जाए, और नीलनगर से होते हुए सनातन धर्म मंदिर में इसका समापन होगा, वहाँ इस अक्षत कलश की स्थापना की जाएगी। जी मंडल देव जी, आज प्रधान जी क्या प्रोग्राम रहेगा आज का? जय श्री राम। जय श्री राम। कल अयोध्या से, कल नीलोखेड़ी में अयोध्या से कलश नीलोखेड़ी में प्रवेश होगा, और मैं सभी नीलोखेड़ी हल्का वासियों को एक ही बात कहूँगा, 11 बजे पुलिस चौकी के पास, जीट रोड के पास वह पहुँचेंगे। हमने सब ने श्री राम का नाम लेके उस कलश यात्रा में पहुँचना है, चाहे कोई कांग्रेस में हो, चाहे कोई इनेलो में हो, कोई जेजेपी में हो, चाहे कोई भी हो, छत्तीस बरादरी का, चाहे मुसलमान भी क्यों नहीं हो, ये सब का राम है, ये कल्ला अकेले मोदी का नहीं है, ना किसी और का है, सबका ये इकट्ठा साझा है काम है। और सभी को हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा, कल कोई भी अपने मन में किसी का द्वेष इस मैटर में रखना कुछ भी, और सबको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कल राम की यात्रा में 36 बरादरी वहां पर पहुंचेंगे। और धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। कल श्री राम जो अक्षत कलश यात्रा है नीलोखेड़ी में पहुंच रही है, और 11 बजे पुल चौकी के पास यात्रा का भव्य स्वागत होगा। सभी शहरवासी, सभी ग्रामवासी, जितने भी भाई हैं, सभी उस यात्रा में आमंत्रित हैं, सभी आ सकते हैं, और सभी ने उसमें अपना सहयोग देना है।
मैं सभी से यही विनती करता हूँ कि सभी उसमें आए और भगवान श्री राम के दर्शन भी करें और अपने जीवन को पुण्य बनाए। हाँ जी जी, सबसे पहले तो जय श्री राम, और सबको नए साल की बहुत बहुत सबको बधाई हो, और भगवान सबके घर में सुख शांति नया साल लेके आए। और मैं अपने नीलोखड़ी और प्रदेशवासियों को कल कलश यात्रा जो कि अयोध्या से चल के आ रही है और जो कि पुलिस चौकी नीलोखड़ी से इसका शुभारंभ होगा, ये शोभा यात्रा में पूरे शहर के और आप बढ़ चढ़ के सारी संस्था भी यहाँ पर सारे रल मिल के हिस्सा दे, जो कलश यात्रा चलनी है गोल मार्केट होती हुई और सनातन धर्म में इसकी समाप्ति होगी नीलनगर में। और मैं पुनः सब शहरवासियों को हाथ जोड़ से विनती करता हूँ, ये कलश यात्रा कल 11 बजे है, सारे शहर के जितने भी और प्रदेश के मर्यादा पर गांव में इसको रल मिलके हम पूरे शहर की शोभा यात्रा में शामिल। नीलोखेड़ी से दर्शान शर्मा की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।